अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं जी। हम शेडो एंड टाइम के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने आपसे कल कहा था कि आपने शेडो अपना सुबह टाइम सर्कल लगाना है और फिर मिड डे आपने लगाना है, तो आपने किया है? वो किस किस बच्चे ने किया है? ठीक है, आपने ये करके देखना है। नेक्स्ट है, हु हैज़ द लेंथ ऑफ योर शेडो चेंज, हु हैज़ द डायरेक्शन ऑफ योर शेडो चेंज। नेक्स्ट क्लॉक, बिकॉज शेडो चेंज ट्रैक्शन एट अ रेगुलर रेट, वी कैन यूज दैम टू टेल द टाइम। अ मेस क्लॉक वॉज वंस यूज टू टेल पीपल वैन इट वॉज टाइम टू गो टू प्रे। अ पॉइंटर ऑन द क्लॉक कास्ट अ शेडो अक्रॉस द डायल। द पोजिशन ऑफ द शेडो चेंज ड्यूरिंग द डे एज द सन अपेयर्ड टू मूव अक्रॉस द स्काई, एंड सो पीपल कुड टेल द टाइम, बट ओनली वैन इट वॉज सनी सन डायल। पहले ज़माने में जब क्लॉक नहीं होते थे तो लोग जो थे वो सूरज के जब ग्रूब होता था या तुलू होता था कुछ भी, उस टाइम को जब थोड़ा सा सूरज जैसे मिड डे आना था तो उनको समझ आ जाता था कि इस टाइम ये टाइम हो गया, ये मतलब नमाज पढ़ने का टाइम, और ये सारा कुछ उनको वो सूरज के लिहाज से, वो साए का छोटा और बड़ा होने के लिहाज से वो उनको पता लगता था कि टाइम इतना हो गया। ठीक है, सन डायल, द शेडो ऑन अ सन डायल आल्सो पॉइंट्स टू द टाइम। यू कैन रीड द टाइम बाय वेयर द शेडो फॉल्स ऑन द डायल। द पॉइंटर दैट कास्ट द शेडो इज कॉल्ड अ नोमोन। सन डायल्स टू फेस इन द राइट डायरेक्शन, सो मोस्ट ऑफ दैम कैन नॉट बी मूव्ड और कैरिड अराउंड। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप डेट लगा रहे हैं, ठीक है, डेट लगा लें। और इसका आपका जी ये आपने जो क्वेश्चन रह गए थे इसके वो करने हैं, ठीक है, साइंस के जो क्वेश्चन रह गए थे। ठीक है, क्वेश्चन था हमारा कि जी वाई शेडो, ये था क्वेश्चन के वाई शेडो आर लॉन्ग इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग। ठीक है, डेट लगा लें यहाँ, बिकॉज द सन इज़ लो एट द स्काई इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। वट वॉज द टेम्परेचर ऑफ द सन, टेम्परेचर ऑफ द सन इज़ अ 55 सेंटीग्रेड। वट वॉज द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर, द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर इज़ 100। ये तीन आपके क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये आपने अपने सी वर्क में भी लिखने हैं। ये देखें ज़रा, इधर टेम्परेचर के बारे में लिखा हुआ है कि सन का कितना और बॉइलिंग वाटर का, ठीक है। और इसके बाद आपने ये तीनों क्वेश्चन अपने सी वर्क में लिखने हैं, ठीक है, ये ठीक करके।